दिवाली में चाहे आपको इंस्टा या सोशल मीडिया पर तगड़ा तगड़ा चीज दिख जाए, बट बिहाइंड द सीन बहुत काम करना पड़ता है। घर वर का सफाई सबको पता ही होगा, तो घर वाला काम तो मॉर्निंग में निपट गया जो मेरा काम था। अब शॉप जाना है, वहाँ पे देखते कुछ ना कुछ काम मिलेगा। मिलेगा क्या है ही, कल से पेंटिंग है, वो सब भी करना है। जैसे आज का मौसम देख रहा हूँ, क्या सेक्सी मौसम। वैसे मौसम को छोड़ो, थोड़ा मैं भी सेक्सी लग रहा हूँ ना, मतलब लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ पता, बट फिर भी बोल देना। और तो ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हो चुका है और अभी बहुत सारा काम बाकी भी है, क्योंकि जैसे कि पीछे देख रहे हो बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर सब सामान ठीक करना है, और उसके बाद फिर एक दो और काम है, बाकी सब लाइट वाइट लगाना है। यहाँ पे बहुत काम है, छोटा छोटा काम है बट बहुत काम है। पीछे साफ वाफ हो गया बहुत कुछ, अब साफ करने वाला नहीं, अब थोड़ा सा डेकोरेट वाला काम है। सेम फ्रेम डिफरेंट टाइमिंग, और अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है और ऑलमोस्ट बज ही गया है, ऑलमोस्ट बज ही गया है, थोड़ा सा जो भी है कुछ देर की देरी है। सुबह से लेके काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा था, लाइक यहाँ का साफ़ सफाई काम, लाइटिंग वाइटिंग लगाना, घर में भी जाके सारा कुछ करना, थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी पड़ी है क्योंकि एक अर्जेंट प्रोजेक्ट था जिसका डेडलाइन कल है, तो किसी तरह कंप्लीट तो करना ही था। इन सब के अलावा मैं पापा के साथ शॉपिंग करने भी गया हुआ था, क्योंकि अब उनके लिए भी लेना था पूजा के लिए कपड़ा, तो उधर भी जाना पड़ गया। और अभी क्या है ना कि ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है, मेरे को बस मार्केट जाना है दूध वगैरह लेने के लिए और कुछ मिठाई लेने के लिए, तो देखते हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होगा, तो थोड़ा सा मन भी नहीं मान रहा, बट लेट हो रहा है, जाना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जाता हूँ मार्केट, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया यार, पूरा देहा दर्द कर रहा है आज तो। और ये काली मंदिर का भी फुल ऑन तैयारी चल रहा है, बाकी काफ़ी प्यारा सजाया हुआ है मंदिर। फाइनली मार्केट का भी काम हो गया, और नो डाउट बहुत ज़्यादा भीड़ था मार्केट में भी, और बाकी लोगों के दुकान पे भी ऑलमोस्ट साफ सफाई कंप्लीट हो गया, तो कुछ देर में पूजा हो ही जाएगा। हम लोग के होने में अभी है 1.5 घंटा लेट, बट कोई ना, हमारे पंडित जी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। मैंने शॉप की कुछ लाइट्स के वीडियो लिए हैं, तो आप लोग वो एंजॉय करो और बताना कैसा लगा, इवन ये भी बताना कि आप लोग की दिवाली अभी तक कैसी चल रही है। फुल ऑन दिवाली वाइब लग रहा है भाई अब तो, और फिलहाल मैं चलता हूँ, कपड़ा चेंज करके आता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। तो घर पहुँच गया और अब जल्दी से ड्रेस चेंज करता हूँ और वापस जाना है शॉप पे, क्योंकि पूजा होना है वहाँ पे। तो ये रहा बेसिक सा एकदम कुर्ता। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मुझे पता नहीं कहाँ पे है और सारा कपड़ा मेरा, और मम्मी यहाँ पे है नहीं, तो मुझे जो सामने दिखा मैंने पहन लिया, और बाकी आपको अच्छे से शॉप पे जाके दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। आउटफिट ऑफ द डे, फोटोग्राफर दोस्त का इन्हें पूछने बुलाता कि दिवाली कैसा जा रहा है, फिर बस इसलिए बुलाया है, फोटोग्राफी छोड़ दो, इसलिए बुलाया क्योंकि हम इसका चार को फोटो खींच सके। वो विश किया दिवाली, अभी पहले ये बता फोटो खिंचाया कि नहीं, फोटो खिंचाया, इसको हैप्पी बर्थडे विश भी किए, इसको हैप्पी बर्थडे विश भी किए, इसके दुकान से परचेजिंग भी किए, इसको दिवाली भी विश किए, इसके दुकान से हमने परचेजिंग भी किया धनतेरस की, इसलिए फोटो बढ़िया आया कि नहीं, फोटो एक नंबर खींचा है, फोटोग्राफी फ्रेंड है, लेकिन मैंने इसको उगता इसका बकाया इसे राशि दिया है।
गाड़ी पकड़ ली, मैं उधर छोड़ना उधर गाड़ी, इन लोग का कुछ नहीं होता। अभी तक तो काफी हेक्टिक सिचुएशनल दिन रहा है। क्या लगता है ये फूटेगा? ये लड़का जो है ना, ये जो है ये होता कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो क्या किया, अच्छा खासा जल रहा था बेचारा वो। यही होता है समझा, नहीं होता है। अभी बहुत कुछ बाकी है, खैर पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अभी मस्ती करना तो बाकी है। हम सोचे यहाँ बैग खाएंगे, ये लड़का देखो क्या कर रहा है, रहा नहीं जाता है इसको, भागेगा भी उतना ही तेज से क्योंकि डर भी उतना ही लगता है। लेकिन कान कान हिल गया, खैर कोई बात नहीं, भागा उतना ही जोर से। ये वाइप तो भाई लगता है लाइट से, देख रहे हो एकदम, उधर भी हमारे घर से तो बहुत कुछ दिख जाता है। नासा का रॉकेट लाया घर के आगे छोड़ रहा है। रे हमको क्या पता जगह एंगल वंगल देख के कर, घर में ना घुसना चिन्हत का। क्या लगता है आप लोग को उड़ेगा इस? लास्ट टाइम छोड़ा था किसी ने, घर पे चला गया, ठीक है। तो लास्ट क्लिप में जब देखा, और इस बार कुछ दूसरा जुगाड़ हो रहा है, तो ऐसा कुछ अटका के कर रहा है। इस बार हम लोग तो सबसे पहले छत पे आ गए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, कब किसके घर पे चला जाएगा और क्या लगता है किधर जाएगा। ओ भाई तो सर नहीं है, बाकी सबका अलग है, इसका अलग मजा, इससे थोड़ा पॉल्यूशन ज्यादा होता है नो, बट कोई ना, डजंट मैटर, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। ज्यादा लाइट मजा नहीं था, ज्यादा पोल्यूशन, देखो वहां तक दिख रहा है हम ही लोग का धुआं गया है, ये कुछ नहीं लग, क्या लग, हॉरर लग रहा है ये वाला। पोल्यूशन बहुत होता है ये सब चीज से, तो हम थोड़ा कम छोड़ते हैं, छोड़ो ना देखते हैं क्या होता है इस बार, देखते हैं कहाँ जाता है। तो ओवरऑल दिवाली काफ़ी सही रहा, सुबह से अभी तक तो बहुत मस्त चल रहा है, इवन कि आगे भी चलेगा ही मस्त। खाना पीना हो गया, इसके पहले जो भी थोड़ा मोरा पटाखा वटाखा छोड़ा, अब इसके बाद ऑफ कैमरा मस्ती होगा, थोड़ा सा फैमिली टाइम, थोड़ा सा पर्सनल टाइम, तो उसके बाद ही अगर मौका मिलता कुछ दिखाने का उसमें तो दिखाऊंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लेना। मस्ती के बाद फिर चलेंगे एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसको मुझे कल ही देना है, तो वो हर हालत में मुझे एडिट करके आज रात तक देना होगा। ओवरऑल आपका दिवाली बहुत अच्छा गया होगा, मज़े किए होंगे खूब सारे, तो अगर इससे इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज मिलते हैं अगले वीडियो में।